मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज सुबह एक भयानक सड़क हादसे में स्कूल जा रहे 3 छात्र सहित एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि एक मिनी बस ड्राइवर का संतुलन छूट जाने की वजह से ये बस 3 मोटरसाइकिल और 2 ऑटो रिक्शा को जबरदस्त तरीके से टक्कर मार दी है। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। हादसा आज सुबह 7 बजे के आसपास डोंबिवली पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली कोपर पुल पर हुआ है, जहां एक मिनी बस के ड्राइवर का संतुलन खो जाने की वजह से 2 ऑटो रिक्शा और 3 बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी और स्कूल जा रहे पैदल छात्र भी इसकी चपेट में आ गए। वहीं पैदल चल रहे एक शख्स भी इसके चपेट में आ गया और ये 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जो स्कूली छात्र घायल हुए हैं उनके नाम है अरुष रेडेकर 7 वर्ष, किशन 7 वर्ष, अंकुश विस्पूते 7 वर्ष और 34 साल के रोहित पाटिल। ये 4 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं और जानकारी मिलते ही विष्णुनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया है। वहीं मिनी बस ड्राइवर सुशांत रेमदे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले में सीनियर PI पंडरीनाथ भालेराव ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। आज सकाळी 7:15 सुमारास डोंबिवली ईस्ट वरून डोंबिवली वेस्ट कडे कोपरेल ब्रिज वरून टेम्पो ट्रॅव्हल येताना भरधाव वेगात होता, त्यांनी त्याचा वेग कंट्रोल न झाल्यामुळे तो रिक्षावर धडकला। रिक्षावर धडकल्यानंतर बाजूला साऊथ इंडियन शाळा आहे त्या ठिकाणी रिक्षातून विद्यार्थी उतरत असताना त्या विद्यार्थ्यांना त्या रिक्षाचा धक्का लागला आणि त्यात 2 विद्यार्थी एक मुलगी असे जखमी झाले असून त्यांच्यावर शासकीय हॉस्पिटल व काहींवरती ओझन हॉस्पिटल डोंबिवली वेस्ट या ठिकाणी उपचार चालू आहे आणि जो टेम्पो ट्रॅव्हलर चालक आहे त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, तपास करत आहोत।